हाय गाइस, आज इस वीडियो में बात करने वाला हूँ Redmi Note 4 के रेजर एडिशन के 21.1.13 अपडेट के बारे में। और यहाँ पे इसका कंप्लीट रिव्यू आपको देखने को मिलेगा और क्या कुछ वर्किंग है, बग कौन कौन से मिलते हैं, उन सभी के बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे और गेम प्ले तो आपको मिलेगा ही। तो वीडियो लास्ट तक ज़रूर देखें और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पर कर लें ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। सबसे पहले हम चलते हैं यहाँ पे अबाउट रेजर के अंदर। तो यहाँ पे MIUI वर्जन हमारा 12.5 है जो कि 21.1.13 बीटा वर्जन हमें मिल जाता है और नीचे हमारा वायरेड मेंटेनर का नेम मिल जाता है, ऑफिशियल सपोर्ट एंड बग रिपोर्ट, ऑल स्पेक्स मिल जाता है। एंड अगर हम ऑल स्पेक्स की बात करें तो यहाँ पे एंड्रॉयड 10 वर्जन हमें मिलता है। सिक्योरिटी पैच 1 जनवरी 2021 की है। MIUI वर्जन पर आप टैप करके अपना डेवलपर ऑप्शन इनेबल कर सकते हैं। और यहाँ पे कर्नल हमें 3.18 वेस्ट एथरियल का कर्नल मिल जाता है नोट 4 के रोम में। और यहाँ पे ये बग आप देख सकते हो, ये अभी भी यहाँ पे फिक्स नहीं हुआ जो कि स्वाइप वाला था कंट्रोल सेंटर का। एंड यहाँ पे अगर हम बात करें कंट्रोल सेंटर की तो यहाँ पे आपको NFS पार्ट मिल जाता है, FPS इन्फो मिल जाता है जो कि बिल्कुल ऐसे तरीके से काम करे। NFS पार्ट के अंदर हमारा MI साउंड नहीं काम करता, कलर कैलिब्रेशन मिल जाता है, स्पेक्ट्रम प्रोफाइल मिल जाता है यहाँ पे। तो ये जो है आपको मिल जाएगा तो अपने हिसाब से चूज़ कर लेना। एंड डायरेक्ट साउंड इनहेंसर की बात करें तो ये जो है बिल्कुल ऐसे तरीके से यहाँ पे काम करता है तो आप इसका यूज़ कर सकते हो। नीचे वाइब्रेशन का ऑप्शन मिल जाता है और यहाँ पे फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन दिया गया है। सेलिनक्स हमारा परमिशिव पहले की तरह मिल जाता है। यहाँ पे वॉल्यूम पैनल आपका बिल्कुल लेटेस्ट मिलने वाला है। यहाँ पे जैसे कि हम यहाँ पे DND पे जैसे ही क्लिक करते हैं तो एक पॉपअप आता है, आप देख सकते हो इस तरीके से। तो ये जो है बिल्कुल लेटेस्ट है। पावर मेन्यू आपका ये भी बिल्कुल लेटेस्ट आपको यहाँ पे मिल जाता है। और अगर हम रीसेंट की बात करें तो रीसेंट स्टाइल इसमें आपको काफ़ी डिफरेंट मिलने वाले, 4 से 5 तरीके के। तो यहाँ पे मैं आपको दिखाता हूँ, आप देख सकते हो कुछ इस तरीके से जो है मिल जाते हैं। तो मैं आपको दिखाता हूँ अभी किस तरीके से आप जो है ये चेंज कर पाओगे। तो सिंपली आपको जाना है अपनी सेटिंग्स में, होम स्क्रीन की सेटिंग्स में, और यहाँ पर ये सारी सेटिंग्स आपको नॉर्मल मिल जाती है। एयरबोल्ट फिलहाल यहाँ पर काम नहीं करता दिया गया, लेकिन काम नहीं करता तो एक बार मैं दिखाता हूँ ये भी आपको, आप देख सकते हो काम नहीं कर रहा है। और यहाँ पे सर्च बार का भी ऑप्शन नहीं मिलता है। और नीचे हमारा जो अरेंज आइटम इन रीसेंट है इसके अंदर आपको मिल जाता है यहाँ पे हॉरिजॉन्टली। एंड नीचे आप देखोगे तो यहाँ पे नीचे आपको मिल जाता है एनिमेशन स्टाइल। तो आप नीचे यहाँ पे देख सकते हो ये एनिमेशन स्टाइल है जो कि यहाँ पे स्टैंडर्ड मिल जाता है, जो कि स्टैंडर्ड पे आपका नॉर्मल इस तरीके से मिल जाता है जो कि आपका नॉर्मल रहता है। लेकिन यहाँ पे जैसे ही हम सेलेक्ट करते हैं क्यूब या फिर और भी एक्स्ट्रा जो दिए गए हैं, जैसे कि हम यहाँ पे अब सेकंड सेलेक्ट करते हैं, यहाँ पे iOS वाला क्यूब तो आपको दिखाई दिया, iOS वाला कुछ इस तरीके से iOS की तरह आप देख सकते हो। तो काफ़ी अच्छे अच्छे जो है यहाँ पे एनिमेशन स्टाइल मिल जाते हैं रीसेंट के, तो आप यहाँ पे चेंज कर पाओगे। VR वाला मिल जाता है तो VR की तरह है बिल्कुल, आप देख सकते हो। तो ये बिल्कुल कुछ इस तरीके से आपको मिल जाता है। तो ये 3 से 4 आपको जो है रीसेंट स्टाइल मिल जाएंगे जो कि काफ़ी अच्छे हैं, तो आप इनका भी यूज़ यहाँ पे कर पाओगे अपने हिसाब से। एंड यहाँ पे हम क्लियर करते हैं। और यहाँ पे रैम मैं आपको बता दूँ तो 4GB में 1.5GB हमें यहाँ पे फ्री मिल जाता है रैम। और यहाँ पे अगर हम बात करते हैं कैमरे की तो MIUI का कैमरा आपका डिफ़ॉल्ट यहाँ पे मिलता है जिसमें हमारा पोर्ट्रेट मोड काम नहीं करता बाकी रोम्स की तरह। और वीडियो क्वालिटी की बात करें तो वीडियो क्वालिटी यहाँ पे आपको जो है मिल जाती है, और साथ साथ यहाँ पे स्लो मोशन भी दिया गया है। वीडियो क्वालिटी आपको 1080p मिल जाती है और स्लो मोशन आपका 120fps तक का आप रिकॉर्ड कर पाओगे, जो कि 1080p and 720p आप रिकॉर्ड कर पाओगे। तो ये आपको स्लो मोशन भी मिल जाता है। और अगर आप GCam यूज़ करते हो तो GCam की वीडियो आपको डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगी और साथ साथ आई बटन पर दे दूंगा, तो आप जो है देख लेना। ये GCam जो है बिल्कुल अच्छे से काम करता है, बस इसमें आपका स्लो मोशन काम नहीं करता, ये 7.4 GCam है। और यहाँ पे हमारा जो ऐप ओपनिंग है उसकी मैं बात करूँ तो यहाँ पे आप देख सकते हो मेन आपको सबसे बड़ी दिक्कत इसमें ऐप ओपनिंग में देखने को मिलेगी, जो कि इसका काफ़ी ज़्यादा स्लो आपको ऐप ओपनिंग देखने को मिलता है। तो इस तरीके से लोडिंग लेता है, मेन ऐप ओपनिंग है, बाकी सारी चीज़ें तो अच्छी लगी हैं। और गैलरी की अगर हम बात करें तो यहाँ पे गैलरी आपकी बिल्कुल लेटेस्ट है, तो फीचर्स आपके मतलब है कि लेटेस्ट वाले आपको मिल जाते हैं। कुछ ही जगह है जो कि आपको थोड़ा ओल्ड मिलता है, बाकी यहाँ पे ज़्यादातर लेटेस्ट है जैसे कि आप देख सकते हैं। तो एप्लीकेशन ऑलमोस्ट आपके सभी लेटेस्ट ही मिलेंगे। और यहाँ पे अगर हम चलते हैं यहाँ पे टूल्स के अंदर तो FM हमारा बिल्कुल अच्छे से काम कर रहा है। स्क्रीन रिकॉर्डिंग की अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे स्क्रीन रिकॉर्डिंग के अंदर आपका जो वीडियो क्वालिटी है वो आपको 100 Mbps तक का मिल जाता है, इंटरनल साउंड मिल जाता है और फ्रेम रेट आपको 60fps यहाँ पे मिल जाता है। कॉलिंग की अगर हम बात करें तो कॉलिंग के अंदर हमारा जो यहाँ पे वॉइस क्वालिटी है वो आपको काफ़ी अच्छी फिलहाल यहाँ पे मिल जाती है। और यहाँ पे जो है वोल्टी काम कर रहा है। वीडियो कॉलिंग के लिए आपको थर्ड पार्टी ऐप यूज़ करना पड़ेगा तभी आप जो है यहाँ पे वीडियो कॉलिंग कर पाएंगे बाकी रोम्स की तरह। और यहाँ पे जो आइकन चेंज हुआ है स्टेटस बार का वो बिल्कुल ही चेंज आपको मिलने वाला है इस बार। और यहाँ पे जो ईयरफोन का आइकन शो कर रहा है तो फिलहाल मेरा जैक का प्रॉब्लम है तो उसको इग्नोर करें, एंड बाकी आइकन्स आपको लेटेस्ट यहाँ पे मिलेंगे बिल्कुल। और यहाँ पे अगर हम प्ले स्टोर की बात करें तो प्ले स्टोर भी काफ़ी अच्छा इस बार हुआ है।
ऐप ओपनिंग हल्का सा डिले है, लेकिन यहाँ पे प्ले स्टोर जो है काफ़ी अच्छा है कि आपका यहाँ पे सर्टिफाइड बिल्कुल मिल जाता था, आपको अलग से सर्टिफाइड करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, सेफ्टी नेट आपको पास मिल जाता है, तो बैंकिंग ऐप यूज़ करने में आपको दिक्कत यहाँ पे नहीं आएगी, विदाउट डाउट आप यूज़ करवाएंगे। और सेटिंग्स की बात करें तो सेटिंग्स के अंदर भी आप देखोगे तो थोड़ा सा यहाँ पे आइकन्स जो हैं चेंज आपको मिलेंगे यहाँ पे, तो बिल्कुल ही चेंज आपको मिल जाता है जो कि अभी रेजर की इस अपडेट में हुआ है। और कास्ट आपका काम कर रहा है, वॉल पेपर एंड पर्सनलाइज के अंदर अगर हम चलते हैं तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो तो थोड़ा सा प्रोसेस हो रहा है, तो यही एक मेन दिक्कत है, बाकी तो सब ठीक है। एंड वॉल पेपर के अंदर आपका यहाँ पे जैसे कि आपका डायनेमिक वॉल पेपर मिल जाता है, और लेटेस्ट यहाँ पे गेमर स्टैटिक वॉल पेपर मिलता है, और यहाँ पे रेजर स्नैक जो कि वॉल पेपर मिल जाता है, और ये नीचे वाले ऑप्शन आपको, बाकी तो वॉल पेपर ओल्ड ही है, और ऑनलाइन वॉल पेपर भी वहाँ से करते हैं नीचे। एंड यहाँ पे हमारा जो नोटिफिकेशन है ये आपका साउंड बिल्कुल लेटेस्ट मिलेगा। और थीम्स की बात करें तो ये बिल्कुल आपका पहले की तरह है, बस यहाँ पे डिफ़ॉल्ट थीम थोड़ा सा चेंज, बाकी यहाँ पे आपका जो है सारी चीज़ें सेम है। थीम स्टोर भी आपका चाइनीज ही है, और लॉक स्क्रीन के अंदर हमारा डबल टैप टू वैक काम कर रहा है, और यहाँ पे चार्जिंग एनिमेशन की आप साइड में स्क्रीनशॉट देख सकते हो, कुछ इस तरीके से आपको मिल जाएगा। एंड डिस्प्ले के अंदर डार्क मोड हमारा काम कर रहा है, ब्राइटनेस लेवल, एंटी फ्लिकर मोड दिया गया है यहाँ पे, और रीडिंग मोड की बात करें तो ये लेटेस्ट लेआउट के साथ आता है, और बिल्कुल इसी तरीके से वर्किंग है, तो लेटेस्ट वाला है और वर्किंग मिल जाता है। कलर की बात करें तो कलर आपका बिल्कुल फिक्स है, तो कलर में आपको कोई भी दिक्कत नहीं मिलेगी। और यहाँ पे DPI भी दिया गया जो कि आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। ग्लोब मोड फिलहाल काम नहीं करता, फॉन्ट सेटिंग मिल जाता है, अलाउ ऑल रोटेशन वर्किंग मिल जाता है। और अगर हम यहाँ पे बात करें साउंड एंड वाइब्रेशन की, तो यहाँ पे जो है एडिशनल सेटिंग्स में आपको जैसे कि बूट ऑडियो का ऑप्शन है वो आपको मिल जाता है। एंड यहाँ पे साउंड इफेक्ट के अंदर आपका MI साउंड एनहांसर जो कि यहाँ पे दिया गया है ये काम नहीं करता, NFS के अंदर डायरेक्ट साउंड वो काम करता है आपका। एंड नोटिफिकेशन एंड कंट्रोल सेंटर, यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलने वाली, जैसी पहले थी उसी तरीके से देखने को मिलता है जैसे कि आप देख सकते हो। और स्टेटस बार भी आपका बिल्कुल नॉर्मल ही है, तो यहाँ पे आपको कोई भी चेंजेस नहीं मिलती है। और यहाँ पे हमारा होम स्क्रीन तो ऑलरेडी मैं आपको दिखाई दिया हूँ। सिक्योरिटी के अंदर भी सारी चीज़ें फिक्स हैं आपकी, फेस अनलॉक, फिंगरप्रिंट एंड प्राइवेसी प्रोटेक्शन भी हमारा बिल्कुल लेटेस्ट ही है, तो इनमें फिलहाल कोई चेंजेस नहीं हुआ, ये बिल्कुल इसी तरीके से काम करें और लेटेस्ट मिल जाते हैं। बैटरी की अगर हम यहाँ पे बात करें तो बैटरी बैकअप जो है ठीक आपको यहाँ पे अच्छी जो है मिल जाती है, तो फिलहाल बैटरी बैकअप में तो दिक्कत नहीं। अगर आपको दिक्कत आ भी रही है तो आप जो है चेंज कर लेना कर्नल, कोई दिक्कत नहीं। एंड यहाँ पे ऐप्स के अंदर भी सारी चीज़ें लेटेस्ट मिल जाती है, और मैनेज होम स्क्रीन जो दिया गया है ये फिलहाल काम नहीं करता, आपका डुअल ऐप काम करता है, ऐप लॉक भी आपका वर्किंग है यहाँ पे। और एडिशनल सेटिंग्स में अगर हम यहाँ पे चलते हैं तो मैं आपको यहाँ पे लैंग्वेज दिखा देता हूँ कौन कौन सी लैंग्वेज जो है यहाँ पे सपोर्ट करता है। तो यहाँ पे जो है आपको इंडोनेशियन लैंग्वेज भी मिल जाती है, और बाकी काफ़ी सारी लैंग्वेज हैं जो कि आप यहाँ पे यूज़ कर सकते हो, तो आपके पास काफ़ी सारे ऑप्शन हैं यहाँ पे। एंड रीजन आप आराम से चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। फुल स्क्रीन डिस्प्ले की अगर हम बात करें तो जेस्चर जो है यहाँ पे काफ़ी स्मूथ है, और हालांकि नीचे जो स्वाइप अप गूगल असिस्टेंट है उसके लिए आपको गूगल ऐप यूज़ करना पड़ेगा, लेकिन उसमें ओके गूगल काम नहीं करेगा। और जेस्चर आपका बिल्कुल स्मूथ है यहाँ पे फिलहाल, जैसे कि मैं बोला हूँ जेस्चर में कोई दिक्कत नहीं, जेस्चर अच्छे तरीके से काम कर रहा है, नेविगेशन बटन भी काम कर रहा है, एनिमेशन आप देख सकते हो स्मूथ है। मेन जो है ऐप ओपनिंग डिले वो आपको थोड़ा सा दिक्कत दे सकता है। एंड जेस्चर शॉर्टकट मिल जाता है, नोटिफिकेशन लाइट हमारी बिल्कुल वर्किंग है, और यहाँ पे जो डेवलपर ऑप्शन दिया गया जो कि हमें MIUI वर्जन पे टैप करके इनेबल करना पड़ता है, मैं स्टार्टिंग में आपको बताया था, तो यहाँ पे आपको जो है मिल जाता है थीमिंग का ऑप्शन। तो आप यहाँ पे देख सकते हो ये थीमिंग का ऑप्शन है, तो आप इसे जो है अप्लाई कर सकते हो, एसेंट कलर को सभी बिल्कुल वर्किंग मिल जाते हैं, बस आपको अप्लाई करने के बाद एक बार रिबूट करना पड़ेगा। तो मैं फिलहाल अभी डिफ़ॉल्ट ही कर लेता हूँ यहाँ पे, अगर आप यूज़ करते हो तो चेंज करके आप रिबूट कर लें डिवाइस, ये जगह अप्लाई हो जाएगा। स्क्रीन टाइम के अंदर फोकस मोड मिल जाता है, स्पेशल फीचर्स हमारा गेम टर्बो मिल जाता है, एंड बाकी सारे ऑप्शन सेम है, बस एक ऑप्शन आपको किड स्पेस यहाँ पे दिया गया है जो कि अभी फिलहाल चाइनीज में है, ये रिमूव कर दिया जाएगा आगे के अपडेट में। एंड बाकी नॉर्मली है सेटिंग्स। एंड टूटू स्कोर की बात करें तो 104,341 हमें यहाँ पे स्कोर मिल जाता है, जो कि काफ़ी अच्छा यहाँ पे स्कोर मिल जाता है इसमें आपको। और बूट एनिमेशन की बात करें तो लेटेस्ट बूट एनिमेशन है, जैसे कि पहले कलरफुल MIUI देखने को मिलता था लेकिन यहाँ पे बिल्कुल वाइट है, जैसे कि लेटेस्ट में अभी इस तरीके से कर दिया गया है, तो ये आपको मिल जाएगा। और गेम की बात करें तो यहाँ पे गेम टर्बो हमारा जो है यहाँ पे मिल जाता है, विजुअल इन्हेंसमेंट दिया गया है, और यहाँ पे जो ग्राफिक है वो आपको मिलेगी बिल्कुल पहले की तरह, जैसे कि स्मूथ पे हाई है, बैलेंस पे हाई मीडियम है, और यहाँ पे हमारा स्मूथ हाई और बैलेंस मीडियम, बस इतना ही आपको मिलता है। तो मैं यहाँ पे स्मूथ पे हाई फ्रेम रेट पे खेलने वाला, और यहाँ पे जो ग्राफिक है इसकी क्वालिटी वो थोड़ी सी लो मिलती है, तो इसकी वीडियो भी आपको जो है आई बटन पे दे दूंगा या फिर डिस्क्रिप्शन पे आपको मिल ही जाएगा, तो आप जो है सेट कर पाओगे, इसको भी फिक्स कर पाओगे। एंड यहाँ पे पबजी परफॉर्मेंस की अगर मैं बात करूँ तो पबजी परफॉर्मेंस आपको फिलहाल यहाँ पे ठीक ठाक मिल जाती है, ज़्यादा ख़राब आपको नहीं मिलती है, MIUI के पोर्ट रोम के हिसाब से आपको जो है फिलहाल ठीक ठाक यहाँ पे मिलती है, ज़्यादा बेटर भी मैं नहीं बोल सकता, लेकिन आपको यहाँ पे ठीक ठाक अभी फिलहाल बोल सकता हूँ, क्योंकि आपको ना ख़राब मिलती है ज़्यादा ना ही ज़्यादा अच्छी मिलती है, नॉर्मल के हिसाब से आपको भी यहाँ पे मिलेगी पबजी परफॉर्मेंस फिलहाल, जैसे कि पोर्ट रोम्स में देखने को मिलती है। ESP के मुकाबले आपको थोड़ी सी यहाँ पे परफॉर्मेंस तो गेमिंग की
डाउन देखने को मिलती ही है। एंड बाकी इंस्टॉलेशन तो आपका सेम ही रहेगा, सिंपली आपको रिकवरी में जाना है, डॉलविक सिस्टम, डेटा, वेंडर, कैच, इन पांचों को जो है आपको वाइप करना है और रोम को फ्लश करके सिंपली आपको रिबूट कर लेना और यहाँ पे कुछ नहीं करना है। तो बस यही सारी चीज़ें आज की इस वीडियो में, और अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक ज़रूर कर दे, और अगर आप नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो और साथ साथ बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर ले, ताकि जब भी मैं अगली वीडियो अपलोड करूँ आप सभी को नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।